शाहरुख खान की पहली फिल्म रिलीज हुई थी दीवाना। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी और एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद 1992 में ही शाहरुख खान की 3 फिल्में और रिलीज हुई थी, चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन और दिल आसना है। चमत्कार फिल्म फ्लॉप हुई थी, राजू बन गया जेंटलमैन एवरेज फिल्म थी और दिल आसना है फिल्म डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1993 में शाहरुख खान की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, माया मेम साहब, किंग अंकल, बाजीगर और डर। माया मेम साहब फिल्म फ्लॉप हुई थी, किंग अंकल फिल्म भी फ्लॉप हुई थी, बाजीगर फिल्म हिट थी और डर फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद सन 1994 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, कभी हाँ कभी ना और एक अंजाम। कभी हाँ कभी ना फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी, अंजाम फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 1995 में शाहरुख खान की 7 फिल्में रिलीज हुई थी, करण अर्जुन, जमाना दीवाना, गुड्डू, ओ डार्लिंग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम जाने और त्रिमूर्ति। करण अर्जुन फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जमाना दीवाना फिल्म फ्लॉप हुई थी, गुड्डू फिल्म भी फ्लॉप हुई थी, ओ डार्लिंग फिल्म डिजास्टर हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, राम जाने फिल्म सेमी हिट थी और त्रिमूर्ति फिल्म फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1996 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, इंग्लिश बाबू देसी मैम, चाहत और आर्मी। इंग्लिश बाबू देसी मैम फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी, चाहत फिल्म फ्लॉप हुई थी और आर्मी फिल्म एवरेज साबित हुई थी। 1997 में शाहरुख खान की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, कोयला, यस बॉस, परदेश और दिल तो पागल है। कोयला फिल्म एवरेज थी, यस बॉस फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी, परदेश फिल्म हिट हुई थी और दिल तो पागल है फिल्म सुपर हिट हुई थी। इसके बाद सन 1998 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, डुप्लीकेट, दिल से और कुछ कुछ होता है। डुप्लीकेट फिल्म फ्लॉप हुई थी, दिल से फिल्म भी फ्लॉप हुई थी, कुछ कुछ होता है फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद 1999 में शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी, बादशाह, और ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद सन 2000 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जोश और मोहब्बत है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म फ्लॉप हुई थी, जोश फिल्म एवरेज थी और मोहब्बत है फिल्म सुपर हिट हुई थी। सन 2001 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, 1, 2 का 4, अशोका और कभी खुशी कभी गम। 1, 2 का 4 फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी, अशोका फिल्म फ्लॉप हुई थी, कभी खुशी कभी गम फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद सन 2002 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, हम तुम्हारे हैं सनम, देवदास और शक्ति। हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म एवरेज थी, देवदास फिल्म हिट हुई थी, शक्ति फिल्म फ्लॉप हुई थी। सन 2003 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, चलते चलते और कल हो ना हो। चलते चलते फिल्म हिट थी, कल हो ना हो फिल्म भी हिट थी। इसके बाद सन 2004 में शाहरुख खान की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, ये लम्हे जुदाई के, मैं हूं ना, बीट जा रहा और स्वदेश। ये लम्हे जुदाई के फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी, मैं हूं ना फिल्म हिट हुई थी, बीट जा रहा फिल्म सुपर हिट हुई थी और स्वदेश फिल्म फ्लॉप हुई थी। सन 2005 में शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था पहली और ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद सन 2006 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, कभी अलविदा ना कहना और डोन, और ये दोनों ही फिल्में हिट हुई थी। इसके बाद सन 2007 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, चक दे इंडिया और ओम शांति ओम, और ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद सन 2008 में शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी, रब ने बना दी जोड़ी, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद सन 2009 में शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी, बिल्लू, और ये फिल्म फ्लॉप हुई थी। इसके बाद सन 2010 में शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी, माय नेम इज़ खान, और ये फिल्म हिट हुई थी। इसके बाद सन 2011 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, रावण और डोंटो। रावण फिल्म एवरेज थी और डोंटो फिल्म हिट हुई थी। सन 2012 में शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी, जब तक है जान, और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद सन 2013 में भी शाहरुख खान की 1 ही फिल्म रिलीज हुई थी, चेन्नई एक्सप्रेस, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद सन 2014 में फिल्म रिलीज हुई थी, हैप्पी न्यू ईयर, और ये सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद सन 2015 में फिल्म रिलीज हुई थी, दिलवाले, जिससे मेड फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद सन 2016 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक फैन और एक डियर जिंदगी। फैन फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी और डियर जिंदगी फिल्म हिट साबित हुई थी। इसके बाद सन 2017 में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, रईस और जब हैरी मेट सेजल। रईस फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी और जब हैरी मेट सेजल ये फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद सन 2018 में शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई थी, जीरो, और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। तो ये थी शाहरुख खान की हिट और फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट। आपको इन सब में से शाहरुख खान की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है, हमें कमेंट्स करके बताएं।